आज का हमारा यूट्यूब का वीडियो स्टार्ट होता है हमारे किचन से। हमारे किचन में आज बनाया जाएगा क्या क्या बनाया जाएगा? मंगौरा और बिढ़ई। तो पूरा का पूरा वीडियो देखते रहिए, फैमिली ब्लॉग वीडियो। आप लोग सब्सक्राइब कर लो अकाउंट को, चैनल को, और वहां पर जो है हमारे अकाउंट को फॉलो कर लो, ठीक है? तो अभी चलो हम मिलते हैं कि ये लोग सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पूरी की पूरी फैमिली काम पर लगी है। नाटक मत कर, इसको मारा भी नहीं जाता है फिर भी ये नाटक करता रहता है। हमारा भांजा है ये क्रिस, आरती का लड़का, और हम वो मेरी छोटी बहन है, और ये मेरी उससे भी छोटी बहन है, और ये मेरी सबसे छोटी बहन है। इसका नाम है कौशल्या, उसका शिवनंदिनी, उसका आरती, और मेरा नाम है शिव मंगल। और ये मेरी माँ है, और पापा जी जो हैं खेत में होंगे, और हम सब लोग सुबह का नाश्ता बना रहे हैं। चने की है जो बिढ़ई बनेगी, और मूंग की दाल का बनेगा मंगौरा। तो आप बने रहिए, और हम आपको पूरी की पूरी रेसिपी मतलब वो दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ, ठीक है? मसाला भून के डाला जाएगा। देखो वो आरती वहाँ पर मसाला भूंज रही है पूरा, तो उसको भी दिखाते हैं, पूछते हैं आरती से कि कैसे क्या भूनती है, ठीक है? कैमरा हम उस तरफ को करते हैं। सुनंदनी तुम क्या कर रही थी अभी? तो बर्तन धो रही थी ना वहाँ बाहर। तो सुनंदनी बर्तन धो रही थी, तो मैंने कहा कि वीडियो में थोड़ा सा आ जाओ, तो तुम हाय कर दो और कह दो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज दिखाएंगे बनाकर हम क्या क्या, बताओ। बिढ़ई और मंगौरा। तो चलिए पूछते हैं आरती से, आरती क्या करती रही है अभी? आरती क्या कर रही हो? मैं मसाला भून रही हूँ चूल्हे पर, थोड़ा थोड़ा भून जाए फिर इसको पीस कर डालेंगे। अच्छा, ये धनिया है? धनिया है इसमें, और गरम मसाला है, सब कुछ, जीरा, लौंग है, और सब पूरा गरम मसाला है। मिर्चा भी? अच्छा, ये यहाँ पर है मिर्चा, लहसुन वहाँ। तो मिर्चा भूंजोगे? नहीं, मिर्चा नहीं भूनेंगे। मिर्चा मत भून देना कि यहाँ किचन में खांसी आने लगे तुम। चमीटा बुका कौशल्या, चमीटा बुका दी कौशल्या। तो कौशल्या तुम क्या करती हो? इनको सामान बुकाती हूँ। अच्छा अच्छा, तुम इनको सामान बुकाती हो। चलिए मिलते हैं माँ जी से। माँ जी क्या कर रही है? माँ जी आप क्या कर रहे हो? मैं दाल पीस रही हूँ। दाल पीस रही हो, ठीक है। किसकी दाल है ये? चने की। और इसका क्या बनाएंगे? इसका मंगौरा बनाएंगे और चने की दाल का बिढ़ई बनाएंगे। तो आप बने रहिए, और आप पूरी रेसिपी बना के करते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ। वैसे सबको बनाना तो आता है, बड़ी अच्छी बात है, पर हमारा फैमिली ब्लॉग वीडियो में आपको दिखाएंगे, ठीक है? किचन का, शिवनंदिनी की किचन है, पर आज आरती किचन में है, और माँ जी भी किचन में है। तो आज हमारे यहाँ एक त्योहार है, अक्ती है। कौन सा त्योहार है? अक्ती, उसका भी वीडियो दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, वहाँ चलेंगे। अच्छा अच्छा, तो इसी वीडियो में बनाएंगे कि अलग से कोई वीडियो बनाएं? इसी में बनाएंगे, बता दिया है कि वहाँ पूजने जाएंगे तब हम दिखाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा डाल देंगे। चलो, तो अक्ती का भी वीडियो हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, और ये वीडियो अपलोड वैसे हमने 6 बजे किया है, करेंगे, अभी बता दिया है, तो करेंगे 6 बजे बनाकर डालेंगे। दूसरा डालेंगे, ठीक है, दूसरा बना के डालेंगे, इस पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है? इस पे हम पूरा का पूरा मंगौरा और जो है क्या, बिढ़ई बना कर दिखाएंगे। तो तुम्हारी ये भून चुकी है, कितना भूंजना है बताओ इसको? ये भूंज गया है अब। तो बताओ कितना, कैसा होने लगे, क्या चेकिंग है कि भूंज गया है? थोड़ा महकने लगता है। अच्छा, महकने लगता है। हाँ। धनिया और गरम मसाले को इतना भूंजो थोड़ा सा कि वो खुशबू देने लगे, है ना? हाँ। चलिए, तो देख लीजिए भून चुका है, ऐसे भून चुका है, और इसको भून कर क्या करोगे, बांटोगे? अब इसको बांट कर फिर उसमें मिलाएंगे। अच्छा, तो चलो बताओ हमको, बांटने का वो करो, फिर हम वो करते हैं, ठीक है? हाँ। हमारी माँ जी जो है थक गई है, तो अब बांट रही है दाल सुनंदिनी। तो माँ जी कहाँ चली गई? कहीं गई, हाथ धोने। हाथ धोने? क्यों, हाथ धोकर कहाँ जाने वाली है? क्यों आरती, माँ जी कहाँ गई? पिसी छाजना, उनको तो नीचे पिसी थोड़ी देर छाजेंगी, फिर आएंगी नहाकर। पिसी छाजना किसको? किसको? कौशल्या को और माँ को। जी, कौशल्या को और माँ को पिसी छानने गई हैं, और आज अक्ति पूजा है ना, तो अक्ति पूजा
जो है माँ पूजा करती है ना उसका, अम्मा पूजा करती है, तो अम्मा जो है नहाएंगी और आज हमारे यहाँ जो है वो गगरा होते हैं ना उनको भरा जाएगा और जो गर्मी के मौसम में पानी पिएंगे उन गगरों को आज के दिन भरा जाता है, तो हम पूरा गर्मी फिर उनको भरते रहेंगे और पानी पीते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू। और जैसा कि देख सकते हो लपसी बनाने की कोशिश कर रही है मेरी बहन, तो ये बताइए लपसी किस में खाते हैं? बढ़ई में। तो बढ़ई बना रहे हो? अभी लपसी बना दें फिर बनाएंगे बढ़ई। तो ये बढ़ई किसका बनेगा, ये लपसी किसका बनेगा बताओ मुझको, इस आटे का? हाँ, आटे को भूंज कर घी में भूंजेंगे पहले। कौन से घी में, देसी? हाँ, देसी घी में। अच्छा, देसी घी खुद बनाते हो तुम? हाँ, खुद बनाते हैं। भैंस है तुम्हारे पास? हाँ। अच्छा, तो देसी घी में ये इसको भूंजोगे? हाँ, भूंज कर फिर इसको पानी में घोल कर और इसमें चीनी छान कर सब कुछ। तो चलो ये भी पूरा बताना मुझको है। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो इसको भूंज रहे हो? अब इसको भूंज ले फिर शक्कर घोरेंगे उसको, फिर घोर कर फिर उसको छान कर फिर इसको आटे को उसी में घोर देंगे। चलो कैसे भी घोर दोगे हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, पर आप बना के दिखाओ तो पता चलेगा, ठीक है? हाँ, ठीक। जैसा कि देख सकते हो देसी घी डरने लगा है, ये है देसी घी। तो देसी घी कितना डाला जाता है बताओ? इस चम्मच में एक डेढ़ चम्मच, तो एक चम्मच से ज्यादा ही डाला जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए देसी घी डल चुका है, अब इसको भूंजोगे? हाँ, अब इसको भूंजेंगे। कितना भूंजना चाहिए इसको? थोड़ा थोड़ा लाल लाल हो जाए। अच्छा, ये लाल हो जाए है? हाँ, आटा। ठीक है ठीक। ये क्या ले आए हो? द्वाड़ा। ये किस में डालते हैं? बढ़ई में। ये बढ़ई में डालते हैं? हाँ। तुम क्या कर रही थी अभी तक, तुम्हारा पता नहीं चलता है देश के कहाँ थी? लेने गई थी। हाँ, कहाँ पे लेने गई थी? दुकान। अच्छा, दुकान पे ढोरा लेने गई थी। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा है, जाइए रहिए यहीं पे, वीडियो में आ जाना। और आरती हमारी भूंज रही है, देख लीजिए। ए देखो भाई साहब, हमारे भैया दाल बांट रहे हैं, मैं थक गई थी तो हमारे भैया बांटने लगे। हाँ हाँ, ये हम कहो ने। अरे भाई, आज हूँ मुगोरा बनाओ हूँ, अने पसी जो लो। आज देखो आना मरचा और अने लहसुन राखी लखे, उन्हें बस पसी आ जो लो। अले करवा मारने भाई, काम करवा मारने हूँ करो हो, खबर नहीं चल तो। अरे तू क्या कर रहा है? अले गुजराती मुझे ज्यादा नहीं आता है। और दिखाइए कैमरे में, यहाँ पे दिखाइए, दाल बांट रहा हूँ, चने का दाल है इसका, जो है हम बिढ़ाई बनाएंगे लपसी के साथ, बढ़िया चाट के खाएंगे, ठीक है। तुम्हारे को भी खाना होगा तो आ जाइए हमारे मध्य प्रदेश छतरपुर में, आपका वेलकम है। और हमारे यहाँ आप ये लपसी और बढ़ई खा जाइए, कोई पैसा रुपया नहीं लेंगे, अच्छे से आओ आप, आराम से, बढ़िया खुश किस्मत हो, गुजरात से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी, उत्तराखंड से लेके महाराष्ट्र, मुंबई से लेके हर जगह, दिल्ली से लेकर कोलकाता, बैंगलोर, इंदौर, सब हर जगह से कोई भी व्यक्ति हो आ सकता है, यूपी से, एमपी से, बांदा से, जहां से भी हो, कहीं से भी हो, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, मथुरा, वृंदावन से लेकर अहमदाबाद, बीकानेर, सूरत, हर जगह से कोई भी व्यक्ति आएगा, हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे और लपसी बढ़ई खिलाएंगे। अगर वो लपसी बढ़ई खाने आएगा तो, अगर वो भांटा का भरता खाने आ रहा है तो गड़बड़ा जाएगा, हम उसको भांटा का भरता ही खिलाएंगे, ठीक है। तो आप आकर यहाँ पे बताइएगा हमें कि हमें ये खाना पीना है, हम आपको वही खाना पीने को बनाएंगे। अले हूँ करो, लपसी तो घोरो ने भाई। ये लड़का नहीं परेशान, लड़का कान लाओ, अभी जाए अभी जाए। हाँ, यहाँ बैठी जा, ठीक है, जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर। दांत पकड़े, मुंह करो भाई, शांति से बैठी जाने,
मारी नाखू। अरे बैठी जा, हैं ऐसी बैठी जा बस। अरे जो अरे भाई जोई लो मारा भांजा ने, जोई लो किया बैठी गिरो है। अरे अरे भाई जोई लो, जोई लो ये मारा भांजा छे, देख लो भाई किया जा भाई। हमारा जो लपसी का आगे का कार्यक्रम है वो चालू होने जा रहा है जी। आरती ये क्या कर रही हो? घोर रही हूँ। आटा डाल चुका है? हाँ। जी 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 आटा डाल चुका है। इसमें क्या कर रही हो ये हाथ में? इसमें शक्कर है। शक्कर घोल रही हो? हाँ घोल रही। ये आटा आटा बताइए किस चीज का है? गेहूं का आटा है। हाँ। इसको इतना भूंजा है कि ये देखो। हाँ। इतना लाल लाल हो गया थोड़ा सा। और इसमें ये क्या है? शक्कर घोल कर डाल रही है। अच्छा शक्कर घोल के डाल रहे हो। हाँ। डल चुकी है? हाँ, अब इसको घोलेंगे। इसको घोर दोगे? हाँ। चलो इसको ऐसे घोर के फिर क्या करोगे? अभी इसमें पानी और डालेंगे। पानी डाल के फिर क्या करोगे? फिर आग में चढ़ाएंगे, फिर इसको जब तक एक बार नहीं जाएगा जब तक चलाते रहेंगे। अच्छा चलाते रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो जल जाएगा। जी जी जी, जैसे हम बर्फी या खोवा जमाते हैं ना, सेम टू सेम इसको चलाना चाहिए। तो ये एक कैसा हो जाएगा? टाइट हो जाएगा बढ़िया उस तरह का। हाँ, हैं? हाँ। चलो आगे का रस्म देखते हैं कैसा होता है क्या नहीं होता है ना। हाँ, हाँ तो चलिए बहुत अच्छा। इसको घोर लो पहले, और पानी डालोगे तो बताओ पानी कितना डालना पड़ेगा? अभी इसमें 2 लोटा पानी डालेंगे। 2 लोटा और, मतलब 1 लीटर पानी अभी और डालना पड़ेगा। टोटल कितना लीटर पानी होगा? 2 लीटर। टोटल 2 लीटर पानी डाल दो और 250 ग्राम आटा, वो 250 ग्राम नहीं 500 ग्राम आटा और 250 ग्राम चीनी उसके साथ घोर के और एक मिक्स करके एक आग के चूल्हे में चढ़ाओ। फिर आराम से ऐसे ऐसे खोते रहो, नीचे से खोते रहो। देखो पानी डालने लगी आज। देखो आपको लगेगा भाई ये तो ऐसे मस्के पड़े हुए हैं, पर ये खाना क्या बेहतरीन बन सकता है? पर नहीं, आप बने रहिए इसी तरह, ये हमारी वीडियो देखते रहिए। आपको हमारे इसी खाने में कहोगे वाह भाई क्या खाना बनाया, ठीक है ना? हाँ, ये जब खाएंगे तो दिखाएंगे। हाँ हाँ, ये एक हमारी बहन कलाकार है और वो हमारी बहन सुपरस्टार शिवनंदिनी। जी शिवनंदिनी तुम क्या कर रही हो? ठीक है बांट लो, बहुत अच्छे से बांट लो, धुआं लग रहा है। और जो हमारा भांजा परेशान हमें कर रहा था तो हमने उसको इसमें बांध दिया है, तो शेरू उसको खिला रहा है। क्रिश खेल रहे हो? खेल लो वो देखो वो छोड़ रहा है। ओए वो बांधा हुआ है ना, तो शेरू छोड़ रहा है उसको कि छोड़ दूं, वो घूमने लगे। धुआंधार चालू है। और छोटी बहन आरती ये क्या बना रही हो? ये क्या क्या कर दिया इसको बताओ पूरा? ए, वो जो देवल बांट रहे थे उसकी पीठी है, इसको भूंज रहे हैं, इसको भूंज कर इसमें मसाला मिलाकर फिर बनाएंगे। अच्छा वो पीठी पर डाल दिया है? हाँ। कुछ डाला तो नहीं नमक वमक? अभी कुछ नहीं डाला, थोड़ा मसाला डाला है वो पानी का। कौन सा पानी? सिल का जो धुल कर डाला। अच्छा सिल का धुल के है? हाँ, अभी वो वाले मिलाएंगे। अच्छा ये मिलाओगी इसी में? इसी में मिलाएंगे। तो ये पीठी है ना? हाँ ये पीठी है। इसका क्या बनाना है? इसका बिढ़ई बनाना है, तो ये पीठी बन रहा है। चलो बहुत अच्छा है। और सुनंदनी तुम क्या बना रही हो बताओ? आटा घूम रही हूं इसको बनाने के लिए। अच्छा वो जो पीठी है तो उसको रोटी की तरह बेलोगे इस आटे को? हाँ। और फिर उसको अंदर लगा के फिर बेलोगे, फिर क्या करोगे? सेकोगे, तलाओगे, क्या करोगे? आग में? अच्छा लिट्टी चोखा की तरह बना रहे हो, वेरी नाइस बहुत अच्छे। तो हो गया क्या क्या मसाला में? वो मसाला में क्या क्या बांटा है ये बता दो सबको। मसाला में मिर्च, धनिया और जीरा, लहसुन, प्याज नहीं लहसुन। अरे ये गरम मसाला है, मतलब सब कुछ मिला सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? हाँ। तो ये इस पीठी में मिला देना है? इसमें मिलाएंगे। हाँ, इसे तेल में भूंजा है। तेल में भूंजा है इसे, तेल में डालकर मसाला को, इसको पीठी। अच्छा जो वो पीठी होती है ना भाई साहब, तो वो देवल को बांट के और उसमें डाल लो तेल और कढ़ाइया में ये पीठी डाल के और भूंज दो। घी में भी भूंज सकते हैं, घी में भूंजते तो और अच्छा होता। देसी घी में? हाँ। तो चलो बहुत अच्छा, घी में नहीं भूंजा है तो कोई बात नहीं। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, वो इसी मसाले का, लहसुन का वो होगा। अच्छा लहसुन का छिलका। चलो बहुत, वो तो डला रहने दो ना, कोई बात नहीं, बस खप जाएगा।
तो आगे का कार्यक्रम हमारा धुआंधार से चल रहा है और बने रहिए हमारे फैमिली ब्लॉग वीडियो में, हम आपको पूरी की पूरी रेसिपी खाना खाने तक दिखाएंगे, ठीक है। तो आरती, हाँ? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और ये मेरी बहन सुनंदनी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओके ओके, थैंक यू। एक आइटम हमारा बन चुका है, हमको बनाने हैं टोटल 3 आइटम। तो एक आइटम बन चुका है और आपको पूरी की पूरी रेसिपी हम इस आइटम को दिखाते हैं और बताते हैं। दिखाओ आरती क्या है। ओ, आटे का लपसी। ये देखो आटे का लपसी है, इसको किसके साथ खाते हैं बताओ? बिढ़ाई के साथ। बिढ़ाई के साथ। तो इसको पूरी की पूरी रेसिपी बताओ कि कैसे बना, बताओ। इसमें वो आटा जो दिखाया था पहले, उसमें आटा मिलाकर। रुको रुको, हाँ पूरी की पूरी रेसिपी बताओ इसको कैसे बनाया। इसमें पहले आटा भूंजा था, फिर आटा वो पानी में घोरा था शक्कर में। हाँ 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 हाँ। और फिर आग में चढ़ाकर इसी तरह चलाते रहे तो बन गया। वाह भाई क्या बात है भाई, इतना सब कुछ ज्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा आटा डाला, चीनी और पानी, और चलाते रहे बन गया। वाह क्या ये तो शक्ति हो गई भाई, बहुत अच्छा। एक आइटम हमारा बन चुका है, अब दूसरे आइटम की तैयारी है, तो हम दूसरा आइटम दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे ही बनता है वो देखो, कार्यक्रम चालू है यहाँ का। ये पीठे बन चुका है, ऐसे इसको ऐसे बना लेना है और आटा लग चुका है। तो अब आटा को बेल कर और इसको अंदर डाल के और फिर इसका बिढ़ाई बनाएंगे, ठीक है। तो आटे में देखो, आटे को लगाने में तो ज्यादा कुछ नहीं है, आटे में पानी लगाओ और मार लो आटा, जैसे रोटी का मारते हैं सेम टू सेम उसी तरह, पर थोड़ा मेहनत ज्यादा अच्छी मेहनत करो, ठीक है, आटे में, ताकि वो उसके जो अंदर की निगेटिव शक्ति होती है वो निकल जाए और पॉजिटिव शक्ति बाहर आए, ठीक है। तो आप उसको आटा को, और ये जो पीठी बनाया है ये देखो सिंपल है, जब आप रात को सोते हो तो चने की दाल को वो कर लो, ये फुला दो पानी में। फुलाने के बाद इसको क्या करना है कि सुबह उठ के बांटना है, और बांटने के बाद गरम मसाला, धनिया, मिर्चा, लाल मिर्चा और ये सब चीजें इसमें मिला देनी है, मिला के इसको ऐसा कर लेना, ठीक है। अब आगे की रस्म बताते हैं आपको कि क्या क्या होगा, ठीक है। हमारी जो मूंग की दाल थी तो वो भी बटने लगी है, सुनंदनी बांटने लगी है, ये देख लीजिए। और इसका क्या बनाना है, इसका बनाएंगे मंगोरे। तो बाकी की चीजें तो रेडी हो चुकी हैं, पर अब ये मंगोरे की दाल बांटना स्टार्ट है, तो सुनंदनी बांट रही है। कैसा लग रहा है सुनंदनी बांटने में? ठीक है। चलिए जो है बिढ़ाई बनने लगी है, और बिढ़ाई दिखाते हैं कि आरती कैसी बना रही है। ये क्या है, इसके अंदर कुछ डाला भी? अब भर दिया इसके अंदर। भर दिया? हाँ। चलिए अब एक तो बनाओ और फिर दिखाते हैं आपको। हाँ देखो ऐसे इसके अंदर भर दिया है, पर दिखाएंगे कि कैसे भरते हैं। और देखो ये रोटी की तरह बनती है, ठीक है। अच्छा ये खाने में बहुत मजा आता है। हाँ। हाँ? कि तुमने कितनी बार खाया है? हमने बहुत बार खाया है, बना बना कर, है ना। हाँ। ठीक है। ये देखो रोटी को ऐसे पहले लेकर ऐसे कर लेते हैं, और शायद समोसे की तरह ही टाइप का वो पीठी बना लो ना, तो वो करके, पर वो तीखा है मालूम है, वो मसाला जो है ना वो तीखा है। देखो तीखा हुआ, ऐसे रख के और ऐसे ये कर लेना है, ठीक है। और आग में देखो ऐसे बढ़िया मिदवट सेकना है, ये देखो कैसे सेक रही है आरती, ठीक है ना। तो बढ़िया अच्छे से और चिमटा से सेका जाता है। और ये देखो बेल दिया आरती ने, इसके अंदर डाल के बेल दिया। और इसको खोल के दिखाओ कैसा होगा अंदर, एक हाँ दिखाओ खोल के, कोई बात नहीं, ऐसे खोल के दिखाओ। आहा, इतना स्वादिष्ट होगा, मतलब बहुत ही अच्छा। और ये उसमें खाएंगे लपसी में, है ना। हाँ। तीखा तीखा टाइप का होगा, है ना। हाँ हाँ, मजा आएगा, बहुत अच्छा। चलो तो वीडियो बना लूं फिर मैं, जल्दी से खाऊं, मुझे टाइम नहीं है, अब मेरे को रुका नहीं जा रहा है। जी जी जी, ठीक है। तो ऐसे बोल दो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो,
करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा यूट्यूब के जो नीचे वो बेल आइकन का बटन होगा उसको भी दबा दो ताकि हमारा जब वीडियो आए तो आपके यहाँ टन दे घंटी बाजे कर दो। हाँ, उसको बेल आइकन को भी दबा दो। ठीक है ठीक है। और जो मंगोरे का रसम है वो क्या क्या समझ नहीं, इसी वीडियो में डालना है या उस टाइम बनाओगे? चलो तो मंगोरा जो है उस टाइम बनाएंगे यूट्यूब पर। अब मंगोरा का रेसिपी हम पूरा वीडियो तो बना लिया है पर डालेंगे उस टाइम पर मंगोरा, ये दाल बाट के सब रख लेंगे फिर बाद में बनाएंगे। ठीक है। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। भैंस मिल गई? भैंस मिल गई नहीं मिली? देख लीजिए भाई साहब, पूरा का पूरा भोजन बन चुका है, तैयार है और हम बढ़िया खा रहे हैं। माँ जी खा रही हैं, कौशल्या खा रही है। हाय कौशल्या। हाय। कैसी हो? अच्छी। बहुत अच्छी हो? हाँ। चलो बहुत अच्छा, ले सामने से वीडियो बनाओ और हम जब तक खाना खा लें। हाँ। ठीक है ठीक। और कोई बोल दो। आओ भैया सब लोग, आप भी खाना खा लो। हमने आज बढ़ाई बनाई है। बहुत मजा आ रहा है। देखो बढ़िया है, ये देखो रोटी में है जो अंदर दिखाओ दिखाओ इसमें जूम यहाँ पे आके मसाला सब। रोटी में जो बढ़िया तीखा तीखा मसाला है और देसी घी में चुपरा हुआ और ऐसे बढ़िया तोड़ के और ये ऐसे लपसी में बोर के। तो बने रहिए हमारे फैमिली ब्लॉग वीडियो में, सब्सक्राइब करो और इसी तरह हमारा स्ट्रेंटिंग गांव का देसी खाना खा देख सको। और जब आओगे तो खिला देंगे। हाँ जब आओगे तो खिला भी देंगे बनाकर। सही बात है ना। इन्हें बिल्कुल गरम गरम खाओ जाता है। गरम है ना। सही बात है ना। ये लोग ऐसा खाना नहीं खाना पाते होंगे है ना। पर मैं स्वाद नहीं रहा नकरी के खाना का, चूल्हा के खाना का। गैस में था तुम जितना मसाला डाल दिया जितना खाना अच्छा बना। सही में अलग ही होता है ना। अब ये मैंने यहाँ से लेकर मैं दिल्ली गुजरात बहुत जगह गया हूँ पर ऐसा जैसे इस तरह का स्वाद नहीं मिलता होगा है ना। अलग ही जब उसमें स्वाद डाला गया है ना। तो भाई आप लोग भी कभी आइए और हमारे घर में ये बनवाइएगा खाइएगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ। बला कर लूँ घंटे को भी दबा। हाँ। और इसी तरह